तीन तलाक को लेकर चर्चा में आई सहारनपुर निवासी वकील फराह फैज और उनके पति विनोद वर्मा के विरुद्ध थाना मंडी में धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि फराह फैज नाम की महिला पर प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत धोखाधड़ी व रिश्वत का आरोप लगाया गया है, जिसकी जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं आरोपी महिला ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों का खंडन करते हुए प्रेस वार्ता कर बताया कि उन्होंने कुछ समय पूर्व कुछ लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गलत मकान बनवाए जाने के संबंध में कमिश्नर डीएम कार्यालय सहित एसएसपी सहारनपुर को भी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उनके ऊपर गलत आरोप लगाकर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मेरी जो सबसे पहली शिकायत है वो ये है कि डूडा में प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि केंद्र की योजना है और बहुत अच्छी योजना है, उन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जो बिल्कुल हैंड टू माउथ है, स्लम एरिया या इस तरह के जगह पर रह रहे हैं, जो अपना मकान अफोर्ड नहीं कर सकते बना, लेकिन उनको जो 2.5 लाख रुपये का सब्सिडी दिया जा रहा है, उसमें 50-50 हज़ार रुपये की कट मनी का डिमांड किया जाता है। और अगर वो कट मनी नहीं दे रहे हैं तो उनको सालों साल जो है वो रिगड़ाया जा रहा है, उनके काम को लेंदी किया जा रहा है। जब मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और लोगों को एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया जाता है, ये लाभार्थी मेला 29 अक्टूबर 2018 को लगाया गया और उसमें निसार अहमद को ये एक्सेप्टेंस लेटर दिया गया कि तुम्हारा जो मकान है वो अप्रूव्ड हो गया है। अब जब अप्रूव्ड हो गया तो इसको इंस्टॉलमेंट रिलीज होना चाहिए। जब मैंने इसके बारे में उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि भाई 50 हज़ार रुपये जब तक ये नहीं देगा तब तक इसको इंस्टॉलमेंट रिलीज नहीं हो सकती। देखिए, ये जानकारी में आया है कि ये कल एक व्यक्ति निसार अहमद के द्वारा थाना मंडी पर दरख्वास्त दी गई है, जिसमें एक महिला और उनके पति के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में जो किस्त रिलीज़ होनी थी उस किस्त को रिलीज़ करवाने के लिए एक उत्कोच के रूप में कुछ जो है धनराशि ली गई है। इसी के संबंध में थाना मंडी पर अभी पंजीकृत किया गया है।